बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक सिलाई के टेपट का आसान सा तरीका समझाता हूँ। अक्सर लोग एक सिलाई की टेपट के लिए उसका टाइमिंग प्लेट और पूरा टाइमिंग खोलते हैं, जो कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरा एक भाई अभी आपको एक आसान सा तरीका दिखाएगा, जिससे आप लोगों को टेपट करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा बिलाल भाई, तो अभी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको टाइमिंग एडजस्टर जिसको बोलते हैं, जिससे चेन एडजस्ट होता है लूज और टाइट करने के लिए, ये बोल्ट है जो कि ये खोलना पड़ेगा यहाँ से। और फिर उसके बाद आपको जो है ना, उसके अंदर एक लॉक डालना पड़ेगा। अच्छा जी, पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पहले इस बोल्ट को आप लूज कर ले। टाइमिंग चेक कुछ, उसके बाद आप अपना टाइमिंग चेक कर ले थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आपने तीन निशान लेके आने हैं। नंबर एक ये जो निशान है इसको, दूसरा इसके ऊपर जो निशान है उसको बराबर करना है, और तीसरा नीचे कैम का जो मेन पुली है उसके निशान को आपने जीरो के बिल्कुल सामने लेके आना है। दिखा दो भाइयों को अब थोड़ा सा। अच्छा, ये निशान है जो मेरे भाई ने आपको दिखाया, इसके बिल्कुल ये वाला निशान आपने लेके आना है। ठीक है जी, हाँ, ये जीरो का निशान लगा होगा पुली के ऊपर, अपना निशान है उसके सामने आपने लेके आना है। फिर उसके बाद ये एडजस्टर को लॉक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक पेन सा बना होगा जो एडजस्टर के अंदर। इसमें नज़र आपको नहीं आएगा, लेकिन ये पेन आपने एडजस्टर के अंदर डालना। हो गया। अच्छा, ये हो गया लॉक।